अस्सलाम वालेकुम साथी मारा, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग ट्रैकिंग डे वन एपिसोड टू। वेलकम बैक गाइस। और अभी हम लोग हैं यहाँ झरना, हम भाई हमारे पीछे आ रहे हैं। दैट्स अमेजिंग यार, मतलब हम लोग 2 घंटे से कंटिन्यू चल रहे हैं। अप्रॉक्स 5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया माइट भी, बट अभी भी 7 किलोमीटर है, तो काफ़ी हालत ख़राब हो रही है। अब थकान हो रही है, बैक पेन में दर्द हो रहा है, हल्का सा कंधे में दर्द हो रहा है, बट जो मज़ा आ रहा है लिटरली माइंड ब्लोइंग आ रहा है। गाइज आई होप आपको लास्ट वाला जो ब्लॉग था हर के दोन ट्रैक डे वन एपिसोड वन वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्जॉय किए होंगे आप ब्लॉग को देखकर। और अगर अभी तक आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस पहले ब्लॉग को देखिए, तब आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा और स्टार्टिंग से आप मज़ा कर पाएंगे पूरे व्यू का। और इधर से रोड काफ़ी ख़राब है और मैं बचा अभी, तो आई विल सी यू। अभी हम पहुंचे अपने फर्स्ट स्टॉप पे ऊपर, अभी मैं ऊपर जाता हूँ आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और बारिश फिर से तेज हो गई यार, इस बारिश से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ लिटरली, बट आप व्यू देखो और इंजॉय करो ठीक है। अभी हम बात करते हैं, कुछ बातें बतानी है आपको। जेंटलमैन ये हमारा रेस्ट है, हमें आधे घंटे यहाँ रुकना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस यार, लिटरली सो ब्यूटीफुल प्लेस। रिवर इज आउटसाइड, फिर हमारा ये है अमेजिंग लिटरली। अभी आप सीन से एंजॉय करो। अभी हमारा रेस्ट था, हमने यहाँ पे अपना रेनकोट उठा दिया, DSLR कैमरा, बैग अकबर भाई का बैग, और अभी हम सब टी शर्ट वगैरह में थोड़ा सा व्यू एंजॉय करेंगे, उसके बाद से फिर हम आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। फाइनली अभी तक इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस, मतलब स्टेप बाई स्टेप, हर स्टेप पे अलग अलग एडवेंचर, मतलब कहीं नीचे जाना पत्थर, फिर ऊपर स्टेयर पे कटे हुए जो मार्बल्स होते उस पर चढ़ना, बट मोर देन 35 kg कंधे पे लेके 2 घंटे 2.5 घंटे कंटिन्यू ट्रैकिंग करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बट अभी तक फिलहाल हमने अच्छे से कर लिया एंड दैट्स अ ग्रेट। आगे देखते लेट्स सी व्हाट हैपन एंड व्हाट विल डू, आई विल टेल यू गाइस। तो आप ब्लॉग देखो, एंजॉय करो। अकबर भाई हाउ इज योर फीलिंग, कैसा रहा अभी तक? अभी तक का कैसा रहा? ब्रो मजा आ रहा है। तो गाइस सीन बहुत सही है, सब बहुत मजे कर रहे हैं। आप भाई लोग हमारे गुजरात से आए हुए हैं और हमने यार यूट्यूब वाले टी शर्ट पहन ली थी, तो ऐसे फ्री फोकट में प्रमोशन हो जाएगा अपना, बाकी सब बढ़िया। अभी हम आपको व्यूज दिखा दें, आप व्यूज देखो ठीक है, एंजॉय करो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपने फर्स्ट स्टॉप से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया, पानी वाने दिए, थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि लगातार 3 घंटे हम वॉक कर ही रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिलीफ मिला आराम करके, कंधों को थोड़ा सा भी रिलीफ मिला, फिर से कंधों पे बोझ आ चुके हैं और फिर हम ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं। एंड आप सीन से इंजॉय कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिए। गाइस दिस वन इज वेरी डिफिकल्ट रूट, मतलब पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना है और बगल में ये है और बारिश हुई हुई है, अगर पैर और स्लिप ना करे यार बस हालत ख़राब हो गया भाई, क्योंकि ये सूज की मेरी, और मुझे रास्ते में एक स्टिक मिल गया तो मैंने ले लिया ताकि इससे चलने में हेल्प मिलेगी। और बाकी आप रोड देखो कितने डेंजरस रोड है, और पानी, ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना ये पानी की, सोचिए पानी कितना तेज़ इधर से बह रहा है, गुजर रहा है, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। ओ भाई सब लोग आगे जा चुके हैं, मेरे पीछे 10 लोग हैं और बीच में मैं, अकबर भाई भी आगे निकल चुके हैं, यार मुझसे अब नहीं हो पा रहा, मतलब हो जाएगा लेकिन काफ़ी थकान लग रही है, मतलब ज़्यादा कंधे पे दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा या सामान ज़्यादा है,
तो मजा तो आ रहा है लेकिन तकलीफ भी है। कोई नहीं, जब हम हर की दून पहुंच जाएंगे तो सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे। ये पानी भाई इतने ठंडे पानी है ना, मतलब क्या बताया। अब आगे हमें इस पानी में ही चलना है। तो अबे यार भाई, जितने जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रोड इतने डेंजरस आते जा रहे हैं, और जूते में भाई पानी ठंडी ठंडी जा रही है। ओ यार, मतलब बहुत बहुत ठंडी पानी है यार। गाइस आई एम टोटली अलोन, यू नो व्हाट, आगे वाले आगे चले गए, पीछे वाले पीछे ही रह गए और मैं बीच में हूँ। अब यार कहाँ तक गए हैं, और रास्ते इतने खतरनाक हैं, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है अकेले हैं तो, ये फर्स्ट टाइम भी है और यार नए नए रास्ते हैं तो थोड़ा ध्यान दे के चलने में भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। ये तो डंडा मिल गया तो काफ़ी हेल्प हो जाता है इससे। आपने वीडियो में देखा हमें हमारे टीममेट्स मिल गए और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में था। मैं लोगों के जूते के निशान देख के चल रहा था। अब हमें यार ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी है, ये देख लो रास्ते, तो चलते हैं। देवान यार हालत खराब हो गई। सो गाइस फाइनली अब मैं आपसे मिलूंगा सीधे कैंप में पहुंच के, क्योंकि उससे पहले अब ब्लॉग शूट करूं पॉसिबल नहीं है। बारिश भी तेज हो गई है और बबल ऊपर बैठकर आ गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी फटके चार हो चुकी है और सुबह वहाँ बैठे हुए हैं और बारिश भी हो रही है यार साथ साथ में, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और एनर्जी की मतलब क्या कहें, हालत ख़राब हो चुकी है, हर 100 मीटर पे बैठना पड़ रहा है। ब्रो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, ट्रस्ट मी, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिफिकल्ट होगा, बट इसके अपने मज़े भी हैं। खैर आप एंजॉय। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह में हम निकले थे 9 बजे, अभी 4:30 हो रहा है। अभी हम रास्ते में 2 किलोमीटर और आज का हमारा ट्रैक बचा है। मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, अकबर भाई कुछ फोटोग्राफ ले रहे थे, तो अभी वो आ रहे हैं उधर से और व्यू का एंजॉय लीजिए आप, मजे कीजिए यार। अभी यहाँ बैठे हुए थे, अकबर भाई आते फिर हम यहाँ से निकलेंगे, अब जाएंगे आगे। और 1.5 किलोमीटर यहाँ से हमारा ट्रैक है, अब 2 किलोमीटर के करीब। तो आज काफ़ी एक्टिव दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, नहीं जो भी है बढ़िया है। यहाँ से हमें अपने बेस कैंप पहुँचने में ओखला लगेगा अप्रॉक्स 15 मिनट और।